हलकट साला बेशरम। ए अंधे, रोड क्रॉस कर ले, क्रॉस चढ़ा दे। उठा इस गरीब की अमानत को, वरना इतना पीटूंगा तेरे घर वाले इससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। नहीं उठाऊंगा तो? नहीं उठाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। चल उठा के दे पेपर्स। उठा दो। माफ करना भाई साहब। दरिंदों के शहर में मसीहा बनकर तुम कब पैदा हुए मेरे भाई? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, इतने सुबह सुबह कहां जा रहे थे? विजय कुमार कंपनी में इंटरव्यू है मेरा, देखो शायद आंखें मिल जाए। अगर इस दुनिया में भगवान है तो आज के बाद तुम्हें कोई अंधा नहीं कहेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, जिस मेल कंस्ट्रक्शन के लिए आप सबने टेंडर भरे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसने सबसे कम प्राइस कोट की है, और उस कंपनी का नाम है विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बेईमानी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ओबेरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिलना चाहिए। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है। जरूर मिलता रहा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी कम प्राइस कोट करती होगी, लेकिन इस बार विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपसे 1 लाख कम कोट किया है, इसलिए उनका टेंडर पास हो गया। इसमें जरूर ये हरामजादे की कोई चाल रही होगी। मैं तुझे अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। अरे अपनी जिंदगी में एक मिट्टी का घरौंदा तक तो बना नहीं पाए, और मुकाबला करने चले हो विजय से, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। Keep it up, my son. Thank you, sir. आओ बेटे, चलो मेरे साथ। जगत मामा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जीजा का इस विजय के साथ क्या रिश्ता है। अच्छा ही बता, तू कहीं जा रहा है क्या? अरे नहीं, हमारा बेटा अमेरिका से आ रहा है पढ़ाई खत्म करके, उसे लेने आए हैं। अच्छा, I see, very good. भाई साहब, मधु अभी तक हॉस्टल में है? जी नहीं, वापस आ गई है, उसी के साथ तो मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं नहीं जा रहा हूँ भाभी, मधु जा रही है। अच्छा। डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने। डांस कॉम्पिटिशन? जी हाँ। अरे बेटे मधु। यस डैडी। कम हियर। जी डैडी। बेटे ये मेरे दोस्त ओबेरॉय। नमस्ते बेटा। बेटा ये मेरी वाइफ शारदा। नमस्ते जी। जीती रहो। लो, राजा की फ्लाइट आ चुकी है। हाँ हाँ। वो रहा राजा। राजा। हाय मॉम। हाय डैड। हाय। ए मॉम, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू। बहुत अच्छा लग रहा है ना?
अरे साहबजादे, हम भी तो खड़े हैं राहों में। हाय डैड। अरे उल्लू के पट्टे, अमेरिका जाके सब हिंदुस्तानी सभ्यता भूल गया? अरे पाँव को हाथ लगा, चल। Come on, Dad. Times have changed. Time is changed. मतलब आसमान नीचे आ गया है और जमीन ऊपर चली गई है। जी, जी हाँ, आज हुआ तो कुछ ऐसा ही है, मिस। जज साहब की बेटी मधु है ये। How do you do? नमस्ते। नमस्ते। Okay, दारी, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। मैं चलती हूँ। जी जी रहो। कल मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकूँगा। तुम टैक्सी करके आ जाना। राजा साहब, आप घर चले। कैसे आप मामा जी? पूछ मत भांजे, पूछ मत। तेरे मामा के सातों सुर बेसुरे हो गए हैं। मैं गा बजाता हूँ तो सा बजता है, मैं पा बजाता हूँ तो माँ बजता है, यानी कि मैं कुछ भी बजा सकूं उससे पहले मेरी बज जाती है। गोल गोल चक्री की तरह घुमाना छोड़ दीजिए मामा जी, कम टू द पॉइंट। अरे भांजे क्या बताऊं, 10 साल पहले तुम जब यहाँ से विदेश गए थे तब यहाँ की जो हालत थी अब वैसी नहीं है। क्यों भैया? एक सांप आकर बैठ गया हमारी कुंडली में। नाश्ता तैयार है। अरे भैया अजगर है, अजगर। मामा जी। अरे साहब। हाँ जी। अब किसकी शिकायत कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि फ्लाइट में एसी तो बराबर चलता था, बाकी कुछ नहीं। राजा, कल से सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, समझे? अपने बाप को आराम करने दो। अरे कल नहीं डैड, परसों से। क्यों, कल भारत बंद है? अरे नहीं मामा जी, कल मेरी किस्मत खुलेगी। डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट तो आप ही आई होंगी। हाँ, अगर कॉन्टेस्ट हुआ होता तो शायद। मतलब? कॉन्टेस्ट अब दिल्ली में नहीं, मुंबई में ही है। ओह वेरी गुड, तो अब हमें यहीं देखने मिलेगा। अरे ये गाड़ी को क्या हुआ? ओफो, इसको भी अभी खराब होना था। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मैं टैक्सी ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, एक मिनट अभी देख लेता हूँ इसको। अरे ओह ये तो गर्म हो गई है। उफ, ना जाने इसको क्या हो गया। मैकेनिक, ए मैकेनिक, अरे हमारी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, बहरे हो क्या? आपने मुझसे कुछ फरमाया? नहीं, पागल हूँ, अपने आप से बात करने के दौरे पड़ते हैं मुझे। लगता है अपनी गाड़ी की तरह आप भी गर्म हो गई हैं। उठाइए मुझे, आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि आप मुझे उठा लेंगी, लेकिन आप तो खुद गिर गईं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गिर के संभलना नहीं जानते। संभलना जानती हैं तो संभालना भी जानती होंगी। संभालना जानती तो हूँ, मगर अपनों को, गैरों को नहीं। कभी कभी गैर भी अपने बन जाते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो आपकी गाड़ी ठीक कर दूं। ये गाड़ी कौन उल्लू का पट्टा चला रहा था? What do you mean? घोड़ी की लगाम खींच के रखोगे तो वो रुक जाएगी। क्या मतलब है? गाड़ी की हैंडब्रेक खींच के रखोगे तो धुआं नहीं तो क्या पानी निकलेगा? Oh shit! जाइए। Thank you, Mr. Mechanic. उल्लू का पट्टा, चिड़ियों मोक कुत्तों बिलों, अरे जुली लाल कड़े तेरा टायर पंचर हो जावे।
अरे किधर गई मधु? अरे ओ मधु, अरे मुझे बचा ले नहीं तो मैं मर जाएगी। मधु क्या हुआ अन्नू, क्या बात है? अरे ये तेरी हालत किसने बनाई? अरे बाहर की हालत को छोड़ प्यारी, अंदर की हालत को समझ। अच्छा चल आराम से बैठ जा पहले और पूरी कहानी बता सारी। चल देख, मेरा बॉस बोलता है कि इंटरव्यू लेकर आओ। अरे 3 महीने से गोल गोल उसके पीछे फिरती है लेकिन सब बेकार। अरे वो गेंडा व्यू में नहीं आता है तो इंटरव्यू में कैसे आएगा? और अगर परसों तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी नौकरी खलास और मैं भी खलास। कोई फिल्म स्टार है क्या? अरे नहीं बाबा, एक चढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या नाम है उसका? विजय कुमार। विजय कुमार, आपने हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आपको? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ, जानती हूँ। आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है मगर दिल अभी भी जवान है, सीने में प्यार का तूफान है। माशाल्लाह, वैसे तो आप भी जवान है। शट अप, मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है तो अपने आप चली जाती है। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता, मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। एक नंबर का मुनाफा खोर हूँ, आई मीन लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2% की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? एक नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इशू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं नहीं, अरे 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 सुनिए। ओह माय गॉड, क्या समझता अपने आप को, एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं, ड्राइवर होंगे शायद? अरे ऐसा गिरावा जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं, ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है, आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो तुम्हारी भला इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार, वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चड़ी। हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई, आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। See you. See you. Bye. अरे all the best यार। Grab the microphone, it's about the sound. You want more? More you get. Way too unlimited in a bet. Check off the sound and stop this distortion. When you think it's finished, here's another portion. Just lay back as we take control. Take you down into the twilight zone. Yeah.
anyway, coerce or better. Bitches in a way, cry in vicinity. Slaying DJs with a raw capability. Listen to the jam as we go wild. Check your MC as game versatile. Me and a lady, whole megaton. Rock you up in the twilight zone. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इन हसीन सितारों के डांस कॉम्पिटिशन में वो चांद कौन है जिसे आज की ट्रॉफी दी जाएगी? उस छिपे हुए चांद का नाम घोषित करेंगे बिजनेस के मशहूर शहंशाह मिस्टर सी के ओबेरॉय। मैं ओबेरॉय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी कर स्टेज पर तशरीफ लाएं। ओबेरॉय जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल के अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे यहां बुलाकर इज्जत बख्शी है। जजेस के मुताबिक इस कॉम्पिटिशन की विनर हैं मिस मधु। नमस्ते। मेरा ख्याल है कि यह ट्रॉफी मिस मधु को मेरे हाथों नहीं बल्कि उस नौजवान के हाथों दी जानी चाहिए जिसने बहुत कम समय में बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है। वो नौजवान इस वक्त मेरी आंखों के सामने है और उस नौजवान का नाम है मिस्टर विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, स्टेज पर आइए। ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरावा जलील इंसान है आपका मालिक विजय, क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? विजय, 25 बरस पहले अगर यह मौका मुझे मिला होता तो मैं एक मिनट भी नहीं सोचता। तेरी जुल्फों के पेचो खम तेरी जिंदगी से कम नहीं, जितनी सवारी है उतनी उलझती चली जाती है। किसकी जिंदगी उलझती जा रही है मामा? तेरी जिंदगी भांजे, अपनी जुल्फों के बारे में नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कल के बारे में सोच। अरे क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? फर्स्ट क्लास तो है, एक करोड़पति बाप की एक लौती औलाद हूँ, और क्या चाहिए। करोड़पति के आगे का क हटाने से आदमी रोड़पति हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जब तेरे हाथ में तेरा बाप इस बंगले की चाबी नहीं भीख का कटोरा थामा देगा। मामा, don't talk rubbish about my dad. Okay, चिल्ला। मामा पे तो तेरा बाप भी चिल्लाता है, तू भी चिल्ला। बाद में ये मत कहना कि मामा ने खतरे से पहले सायरन नहीं बजाया था। मामा आप, oh my God, बहुत लेट हो गया। वाह, इनकी जिंदगी में आग लगी है और दूसरों की आग बुझाने चाह रहे हैं। मधु जी। अरे नहीं नहीं, मैं मधु नहीं हूँ, मैं तो अनु हूँ। अनीता, अनीता पोड़मल धोड़मल छपटमल घिसवानी मधु की फास पड़े। अरे तुम बाहर क्यों खड़ा है साई, अंदर आओ ना। अच्छा 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 अच्छा, अरे बैठो ना बाबा। क्या लेगा, रगड़ा पैटीज पकोड़ा पापड़? No thanks. अच्छा ठंडे में क्या लेगा, ऑरेंज लिमका गोल्ड स्पॉट आइसक्रीम टूटी फूटी? जी नहीं, कुछ नहीं शुक्रिया। कुछ नहीं साईं शर्म आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही है। जी मधु जी, घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। तो फिर मधु जी क्या कर रही हैं?
अभी तक सो रही है? अरे ना ना, है? वो चड़ी तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओह वेरी गुड, तो फिर अभी एक्सरसाइज कर रही होंगी। अरे एक्सरसाइज करती तो मेरे जैसा फिगर नहीं होता। ओ, या तो हो सकता है कि वो गाना गा रही है, ये भी हो सकता है कि वो कर रही है। अरे बाबा, लड़का लड़की अकेले में क्या करता है, पप्पी लेता है नी। अब देखो तुम मेरे साथ वैसा गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मेरे को शर्म आएगा। आपका मतलब ये है कि मधु जी कहीं गई हुई है और मैं खामा का अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ। अरे बर्बाद किधर करता है, मैं है ना तेरे साथ। Don't talk rubbish. आपने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मधु जी घर पे है नहीं। अरे हमने तो तुमको पहले ही बोला था, हम दोनों के सिवा इस घर में कोई नहीं है। अच्छा आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएंगे कि मधु जी कहाँ गई है? अरे तुम एड्रेस का बात करता है, मधु ने तो टेलीफोन नंबर क्या उसका नाम तक नहीं बताया, बस जाते वक्त खबर छबर में बोल गई थी कि किसी ने उसको और उसने किसी को दिल दे दिया है। May I come in? Yes, come in. शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी वाह। देखिए प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी तारीफ किया जा रहा हूँ और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई, अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए। अरे आप तो रोने लगी, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूं जाया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। ना सोचा ना समझा पागल ने क्या
निगाहों ने छुप के तेरा हंसी ख्वाब देखा। मेरी निगाहों ने छुप के तेरा हंसी ख्वाब देखा। नथू ने फुलाने से कुछ नहीं होगा। ये साला वही है जो तुम्हारी मलाई भरी प्लेट को तुम्हारे सामने से ही लेके जा रहा है। इससे पहले कि ये मलाई खाना शुरू करे, तुम उसकी मलाई में मक्खी डाल दो। मतलब? ओ, अंग्रेजों के मुल्क में रहकर भी ये बात नहीं समझे। डिवाइड एंड रूल। जेंटलमैन, पवई कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे कम कोटेशन देने वाली कंपनी का नाम है ओबराय इंटरप्राइजेस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ओबराय इंटरप्राइजेस को दिया जाता है। बांजे, तूने तो दुश्मन के मुंह से निवाला ही छीन लिया। अभी तो सिर्फ निवाला छीना है मामा जी। अगर वो मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं उनके सामने की थाली भी छीन लूंगा। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए, जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या बैग? मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भारत सरकार के असली नोट हैं। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो कितने रुपए देंगे। ये तो राजा बाबू हैं जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई उन्होंने, बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी चीखो मत, ये पकड़ो, इधर आओ, ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला?
खुदगर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मक्कार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मक्कार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं वाले, मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आपको बहुत दुखा दिया है, मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है, वो बुजदिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया मालिक? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। आप धन्य है मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग गई मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लग गई। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय विजय विजय, आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो, और उससे अपनी की हुई गलती की माफी मांगो, वो तुम्हें जरूर मुआफ कर देगा। पास कीजिए डैड। इसी तरह से उस दिन फंक्शन में आपने उसे आगे कर दिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा करोड़ों का टेंडर मैं उसके नाम कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? आखिर क्या लगता है वो आपका? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना डैड, क्या लगता है वो आपका? राजा होश में आओ, तुम जानते हो किससे जवाब तलब कर रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं मिस्टर सी के ओबेरॉय से जवाब तलब कर रहा हूं, जो है तो मेरे पिता, मगर सुलूक दुश्मनों जैसा करते हैं। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ओ, तो नौबत अब यहां तक पहुंच गई है। उस विजय के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुझ पर, अपने बेटे पर, तो मारिए, मारते क्यों नहीं, मारिए ना। राजा अपने कमरे में चलो। तुम हट जाओ। शारदा मां, मां देख क्या रहे हो आप? डॉक्टर को बुलाओ। जी डॉक्टर, कैसी है शारदा की हालत? ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, जरा आराम की जरूरत है। अच्छा मैं चलता हूँ। जगत मामा, ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब को खड़ा करके 50-60 पेटी अंदर कर लेते हैं। ओबेरॉय साहब इलेक्शन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उनको बिठा देते, विजय को खड़ा कर लेते। विजय तो राजी खुशी तैयार हो जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा और ओबेरॉय साहब पीछे पीछे रोते हुए तैयार हो ही जाएंगे। वो कैसे मामा? भैया, जिसे कोई नहीं पहुंचता उसे उसका पेट पहुंचता है, औलाद पहुंचती है। यहाँ पे हाथ में राजा का मरोड़ूंगा, दर्द ओबेरॉय साहब को होगा। ऐसे क्या देख रही हो शारदा? जो मांगोगी तो। और अगर बेटा कुछ मांगे तो क्या उसे भी मिलेगा? आओ बेटा आओ। क्यों नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या ये? अरे इस इलेक्शन के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं, मैं इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। हंस तो आप उसी दिन गए थे जिस दिन आपकी मुझसे शादी हुई थी। आधी जिंदगी तो मेरी खुशियों के लिए लुटा दी, आधी अपने बेटे के लिए लुटा दीजिए। ऐसी बात है? ठीक है, लाओ पेन। ओह डैड यू आर ग्रेट, थैंक यू मॉम। मामा जी ये देखिए, सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। है खुशी, वक्त आने पर अपने सीने से निकाल कर उसे भी तुम्हारे आंचल में डाल दूं। ओबेरॉय जी इस बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे? उनका कोई भरोसा नहीं, बीवी की बीमारी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे मसलों को क्या सुलझाएंगे। अब दुखती नैया को बचाना सिर्फ आपके हाथ में, हमें बचा लीजिए सरकार। ठीक है बैठिए, लाइए
फॉर्म दीजिए। फॉर्म लो। कुछ धन मिल, मेरा मतलब है लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते तो। मैनेजर साहब इनको 50 लाख। 60 लाख दे दीजिए। जी जी आइए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बाबू। क्या बात है विजय? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं। खाओ मेरी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए कसम क्या खानी? छोटी सी बात? कौन सी छोटी सी बात? अब तुम ही बताओ। बचपन से मौसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हाँ। तो मैं उसे ही अपनी माँ समझूंगा ना? समझूंगा कि नहीं? करेक्ट। वो कहे हाँ तो हाँ। करेक्ट। और वो कहे ना तो ना। वेरी करेक्ट। क्या करेक्ट करेक्ट किए जा रही हो? श्रवण कुमार बनने के चक्कर में जिंदगी ऐसे ही सूख के करेला बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है? सुबह सुबह उठा, नहाया धोया। क्या किया? नहाया धोया। फिर पूजा के लिए बैठा। क्या किया? पूजा के लिए बैठा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की, मौसी का चेहरा उभर आया। मौसी बिस्तर पे लेटी आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा मौसी, मौसी। मौसी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा एक वादा कर। क्या कर? वादा कर। तो मैंने वादा कर दिया। क्या कर दिया? वादा कर दिया। अब पूछो कैसा वादा? कैसा वादा? शादी का। किससे? न्यायमूर्ति की बेटी से। तो फिर मेरे साथ क्या कर रहे हो? भुट्टा खा रहा हूं। तो जाओ जाकर उसी की भट्टी में भुनकर खाओ। किसकी? वो ही न्याय न्यायमूर्ति की बेटी की। अरे भाई न्यायमूर्ति हिंदी में जज को कहते हैं। आँखों में मोहब्बत है माथे पे पसीना है। आँखों में मोहब्बत है माथे पे पसीना है। आ प्यार तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो, चाहत का महीना है। आ प्यार तुझे कर लो, चाहत का महीना है। बार आए ये शोक मौसम जाने न पाए। दिल भर जवानी एक बार आए ये शोक मौसम जाने न पाए। तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो, आ प्यार तुझे कर लो। हवाएं गोरे बदन को कैसे छुपाएं?
बसी है सपनों के घर में। तुझे कर लो चाहत का महीना है, आ प्यार मुझे कर ले चाहत का महीना है, चाहत का महीना है, चाहत का महीना है। डैड प्रसाद लीजिए। बेटा तुम खुद आज मंदिर गए थे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे मेरी बेटी के माथे पे चमकता हुआ तिलक? देख तो रहा हूं लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, और अगर ये सच है तो अपने बेटे के बारे में मेरा कितना गलत अंदाजा था। अरे डैड देखते जाइए, अभी आपके और भी कितने अंदाजे गलत साबित होने वाले हैं। बेटा मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि बाप अपने बेटे से हार कर भी खुशी महसूस करता है, मगर आज एक बेटा अपने बाप की हार के आसार को देखकर खुश हो रहा है, उसने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया है। राजा ये तो क्या कह रहा है, किसकी हार, कैसी खुशी? मॉम डैड की हार होगी, वो नामुराद विजय इलेक्शन जीत जाएगा और खुश मैं होऊंगा, और खुश इसलिए होऊंगा कि मात खाकर ही सही, डैड की आंखों से उस लावारिस के मुंह का पर्दा तो हट जाएगा। ओ, तो तुम्हारे गुस्से की वजह विजय का इलेक्शन लड़ना है? देखो बेटा, जैसे मिलियनेयर एसोसिएशन का मेंबर मैं हूं वैसे ही विजय भी है, और अगर वो प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? प्रेसिडेंट बनने का हक सिर्फ हमें ही नहीं विजय को भी है। हाँ हाँ जानता हूं कि उसे भी अधिकार है, और ये भी जानता हूं कि उसके लिए प्रेसिडेंट की कुर्सी तो क्या, आप अपनी सारी इज्जत और दौलत भी कुर्बान कर सकते हैं, शहर के चौराहे पर अपनी शानो शौकत की होली जलते देख सकते हैं, मगर मैं नहीं देख सकता। डैड मैं किसी भी कीमत पर विजय को इलेक्शन जीतने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर रहे। संपत ना तो फेंके हुए पैसे उठाता है और ना ही मुर्दे को सुलाता है। संपत भैया, तुम जब हिंसा की बात करते हो ना, अहिंसा परमो धर्म, राम राम राम। तेरे मुंह से राम नाम अच्छा नहीं लगता जगत मामा, तेरा असली रूप कोई देख लेना तो महाभारत के शकुनी मामा को भूल जाए। मजाक छोड़ो संपत भैया, विजय की फैक्ट्री में हड़ताल करवा दो, 6 महीना फैक्ट्री बंद रहेगी तो साला आसमान में उड़ना बंद कर देगा, ये चक्कर चला ही डालो भैया। वो खाएगा चक्कर लेकिन शक्कर कुछ और डालो मामा। डायबिटीज नहीं होती है क्या? तुम देखते जाओ, जहां विजय जिंदाबाद के नारे लगते थे वहां विजय मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। जय हो, जय जय। चलो विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार, विजय कुमार, मजदूरों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, विजय विजय कुमार मजदूरों का दुश्मन, विजय कुमार मजदूरों का दुश्मन। Thank you.
संपत, तुम जैसे लीडरों को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि तुम इनकी जिंदगियों को लीड ही नहीं करते बल्कि लीड बना देते हो। ये बेचारे फैक्ट्री और मिलों को ताला लगवाकर खुद तो भूखे मरते ही हैं, साथ में अपने बाल बच्चों को भी भूखा मारते हैं। उठा के फेंक दो इसे बाहर, और आइंदा कभी ये फैक्ट्री के करीब नजर भी आया तो इसके हाथ पांव का साइज छोटा कर देना। रामू काका, क्या हो गया आप लोगों को? रहमान चाचा, आप भी बताइए, जिनकी गोद में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ उन्हीं के हाथों को काटूंगा क्या? मैं आप लोगों की तरक्की रोकूंगा नहीं बल्कि बढ़ाऊंगा। आप इस कंपनी के नौकर नहीं बल्कि बराबर के हिस्सेदार हैं। ये देखिए कोर्ट के पेपर्स, हम सब इस कंपनी के बराबर के हिस्सेदार हैं। बेटा हमें माफ कर दो। अरे आपको तो हक है कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़िए और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारिए जैसे बचपन में मारते थे। हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे, सब कसम खा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग चलिए। विजय कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद। संपत ना तो फेंके हुए पैसे उठाता है और ना ही मुर्दों को सुलाता है, ऐसा ही कुछ डायलॉग मारा था ना तूने? हाँ, जल्दी लेके आओ। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, नो फोटोग्राफ्स प्लीज। क्या बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बताकर थोड़ा ही होता है। सुना है ये एक्सीडेंट आप ही ने करवाया है ताकि मजदूरों पर पैसा पानी की तरह बहाकर आप उनकी वाहवाही जीत सके और फिर ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सके। मैं अपने मजदूर साथियों को हार कर कुछ भी नहीं जीतना चाहता। तो कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा लेटर कहाँ है यार? मेरा लेटर? इसी लेटर की तलाश थी ना? जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद मेरे पास आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा। कसम अंगूर की बेटी की, आज मैं तुझे पी पी कर मारूंगा। शराब पीने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। हुँ?
चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दो उम्मीदवार, एक है मिस्टर विजय कुमार और दूसरे मिस्टर सी के ओबरॉय। दोस्तों, अब मैं मिस्टर विजय कुमार से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। आइए मिस्टर विजय कुमार, प्लीज। साथियों, मैं अपने बारे में क्या कहूं, सब कुछ तो जानते हैं आप। जमीन से उठने की कोशिश की, कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात जूझ दूंगा। साथियों, जो आज तक अपनी पहचान ना बना पाया हो, वो आप लोगों की पहचान क्या बनाएगा। इसलिए ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसी आदमी को बनाना चाहिए जो देश में इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके, और उनका नाम है मिस्टर सी के ओबरॉय। इसलिए इस इलेक्शन से मैं अपना नाम वापस लेता हूं। आज मैं जवान हो गई हूँ, फिर से पहलवान बन गई हूँ। आया, 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 भांजे, आया, आया। भांजे, इनका लंगर तो अखाड़े में उतरते ही ढीला पड़ गया। अरे मामा, ये अखाड़े में उतरे कहाँ, ये तो अखाड़ा छोड़ के भाग गए। राजा बाबू, आपके डैडी की जीत की खुशी में क्यों ना आज जश्न मनाया जाए। जश्न तो हम मनाएंगे ही, लेकिन डैडी के जीतने की खुशी में नहीं, दुश्मन के हारने की खुशी में। डैडी, आप पार्टी क्यों नहीं शुरू कर रहे, सारे मेहमान तो आ चुके हैं। मेहमान तो आ चुके हैं बेटा, मगर वो नहीं आया जो पार्टी की जान है। आइए जाजमराज जी, ओबराय साहब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई वाह, हम जीत गए तो मुबारक देने चले आए, वरना आप शक्ल भी नहीं दिखाते। नहीं नहीं नहीं। तो भाई, हमारा असली मेहमान आ गया। अमरनाथ जी, ये असली मेहमान है तो आप क्या नकली मेहमान है? भाई वो तो हम देखकर ही बताएंगे कि असली मेहमान कौन है। जीते रहो। Congratulations. Thank you. आओ बेटा। जज साहब, आप तो दूसरों की जिंदगियों का फैसला करते हैं ना, लेकिन विजय अपनी जिंदगी का फैसला खुद करता है। आज के बिजनेस के आसमान पर चमकता हुआ अकेला सितारा है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। Congratulations अंकल। Thank you बेटा। विजय, ये है मधु, जज अमरनाथ जी की बेटी। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भांजे, असली मेहमान आ गए, जश्न शुरू करो, शैंपेन खोलो। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, ओ आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज वफा सबके सामने बताऊंगा, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। आते हैं सपने सुहाने मुझको तो अब रात में, आते हैं सपने सुहाने मुझको तो अब रात में, बदले हुए हैं सारे नजारे, पूरे हुए हैं हर मकवारे, पलके उठा के नजरे मिला के, पलके उठा के नजरे मिला के, मैं
उसका चैन चुराऊंगा। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगी, राजे बापा सबके सामने बताऊंगी, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगी, लोगों का। अभी लेकर आता हूँ। मेरी तो है ये तमन्ना, देखूं मैं उसे रात दिन। मैंने भी वादा किया है जीना ना मुझे यार बिन, पूरी करूंगी सारी मुरादें, आती रहेंगी उसकी यादें, रात नया गीत कोई गाऊंगा। ओ आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज वफा सबके सामने बताऊंगा, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। अंजे, ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी। क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, दो वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे, विस्की, शैंपेन, ठर्रा? नहीं, ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पियेंगे भी कैसे, अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आई गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब। ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे ये विजय को चला गया।
कर रहे हो? अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ मॉम। क्यों राजा क्यों? ताकि हर वक्त यह एहसास न हो कि यह घर नहीं एक सराय है और मैं इस बंगले का वारिस नहीं, एक मुसाफिर हूँ, एक मेहमान। किसने कहा तू इस घर में मेहमान है? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। राजा होश में तो है? तू जानता है तू क्या कह रहा है? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मगर डैड नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने मेरे जख्मों पर नमक रगड़ा है मॉम, नमक। हर बार उस विजय कुमार के सामने मुझे नीचा दिखाया उन्होंने, मुझे। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। अगर यह हादसा एक बार हुआ होता, मगर आज भी उस हरामजादे के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया मॉम। जानती हो किसकी वजह से? डैड की वजह से। तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी बेटा। काश के कोई गलतफहमी हुई होती मॉम। मेरे ही घर में मेरे बाप के जीत की खुशी में पार्टी दी जाती है और उसका खर्चा कौन देता है? मिस्टर विजय कुमार। जानती हो भरी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। क्या मैं सी के ओबेरॉय की औलाद नहीं हूं मॉम? बेटा तू ही हमारी जिंदगी की आखिरी मुकाम है। मॉम मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाम हो सकता हूं, मगर हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो आज सारा शहर कह रहा है, विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। इससे पहले कि मैं अपनी कोख को बददुआ दूं, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन, जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उस पर नमक रगड़ दिया ताकि नासूर बन जाए। तो और क्या करती? जानते हो राजा ने इनके बारे में क्या कहा? उसके दिमाग में जो तूफान उठ चुका है उसकी वजह ना ही जीजाजी है और ना ही विजय कुमार। फिर उस तूफान की वजह है मधु। मधु? वो मधु से बेहद प्यार करता है। तुझे देखो तो नजर फिसले, तेरी पतली कमर तेरा चिकना बदन, तुझे देखो तो नजर फिसले। तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में। मेरे दिल भर जाने मेरी झलकी जवानी, तुझे थामे तो बदन पिघले। मेरे दिल भर जाने मेरी झलकी तो बदन पिघले। सताना मुझे राहों में, सताना मुझे राहों में, सताना मुझे राहों में, सताना मुझे राहों में। पंजाब की मस्ती तुझ में चनाब की, तेरे महके अंग में खुशबू शोख गुलाब की। अरे तू लड़की पंजाब की मस्ती तुझ में चनाब की, तेरे महके अंग में खुशबू शोख गुलाब की। मान जा दीवानी दिल भर जा
अब तो आ, तेरे लंबे लंबे बाल तेरे गोरे गोरे गाल तू जो देखे मेरा दिल मचले तेरे लंबे लंबे बाल तेरे गोरे गोरे गाल तू जो देखे मेरा दिल मचले बसी है तू निगाहों में 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 मौसी। क्या हुआ? अरे मौसी, अग्रीमेंट के पेपर्स कहाँ रखे तुमने? कौन से पेपर्स? वही जो कल दिए थे। कल तो तुमने कोई पेपर्स नहीं दिए। तो परसों दिए होंगे। अरे परसों भी नहीं दिए। तो नरसों तरसों दिए होंगे। मौसी बहुत भूलने लग गई हो आजकल तुम। दो चार नौकरानियां और रख लो। नौकरानियां? तो तेरे कागजात और तिजोरी की चाबी नौकरानियों के हवाले कर दूं? तो फिर एक बहू ले आओ। क्या कहा? हाँ, बहू ले आओ। तू शादी करेगा? क्यों, मेरे हाथ में शादी की लकीर नहीं है। हाथ में शादी की लकीर है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तेरे चेहरे पर खुशियों की लकीर नहीं है। हर वक्त काम काम काम। मौसी, यही तो काम करने की उम्र है। काम करने की और शादी भी करने की। लड़की देख रखी है क्या? हाँ। कौन है? जस्टिस अमरनाथ की बेटी। भाई साहब, मधु को हमारी झोली में डालकर आपने हमें दोनों जहाँ की खुशियां दे दी है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की क्या बात है बहन जी, विजय जैसा लायक लड़का तो नसीब वालों को मिलता है। अच्छा चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। जज साहब हम आए हैं। अरे ओबर रहा है। अरे आओ भाई, आओ आओ आओ, आओ। नमस्ते भाभी जी। आज इस गरीब की कैसे याद आ गई? इसलिए कि हम आपको और गरीब बनाने आए हैं। ओ अच्छा अच्छा भाई, मेरी जायदाद तो ये कानून की किताबें हैं, इन्हें ले जाके अमीर बनना चाहते हो तो बन जाओ। हम तो वो किताब लेने आए हैं जज साहब, जिसे आपने अलमारी में सजा कर नहीं बल्कि अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। मैं समझा नहीं। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी। क्या बात है भाई, क्यों बावलों की तरह हंसे क्यों जा रहे हो? अरे भाई हंसू नहीं तो क्या करूं, मेरी 30 साल की जिंदगी में ये पहला मुकदमा आया है, फैसला किसके हक में करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ समझे नहीं। अरे ओबरा है, मधु के लिए एक ही दिन में दो दो रिश्ते आए,
दूसरा रिश्ता किसका आया है? भाभी जी वो विजय का। विजय? हाँ विजय। अरे भाई ओबराय, ये देखिए रस्म का सामान। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। हम राजा के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दुल्हा हो ही नहीं सकता। जानती हूँ बड़ी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर सी के ओबेरॉय ने। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं मेरे अपने बेटे की शादी है। विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। मैं तो विजय की शादी पर ऐसा नाचूंगा जैसे वो मेरा अपना ही खून हो। भाई अमरनाथ, तुम फौरन मधु की शादी विजय से कर दो। तुम्हारी बेटी के लिए विजय से अच्छा कोई दूल्हा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि विजय की नहीं मेरे अपने बेटे की शादी है। जो आज सारा शहर कह रहा है विजय कुमार मिस्टर सी के ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। ओबेरॉय की नाजायज औलाद है। वैसे सिर पर मामूली सी चोट लगी है, चिंता की कोई बात नहीं है। यू आर लकी। ओके सी यू मिस्टर। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारी खामोशी बता रही है शारदा कि अंदर ही अंदर तुम कोई तूफान समेटे बैठी हो। अरे भाई कुछ तो बोलो शारदा। कुछ बोलने के लिए बाकी ही नहीं रहा। उफ़ो, राजा की जिंदगी में मधु नहीं आएगी तो कहीं राजा। देखो शारदा, जीना मरना शादी ब्याह ये आसमान पे बैठा हुआ भगवान है ना, वो सब करता है। हम सब तो इंसान हैं, भगवान नहीं। काश राजा की खुशियों का फैसला भी भगवान ने उसी दिन किया होता। खैर मैं भी भूल जाती हूँ, आप भी भूल जाइए, हम राजा के लिए दूसरी बहू ले आएंगे। ये हुई ना बात, अब मैं आराम से काम पर जा सकता हूँ। तुमने ये फैसला सुनाकर हमारे दिल को तुमने बहुत खुशी दी है। लेकिन जो आपने हमारे दिल को दिया है वो हम ही जानते हैं। अपने शादी के मेहमानों की लिस्ट बनाई तुमने? मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बना ली और पापा ने मेहमानों की। तुमने? मैंने तो लिस्ट भी बना ली और बजट भी। बजट? अब देखो ना, शादी में हजारों मेहमान शरीक होंगे, कम से कम 40-50 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। इसलिए तुम भी उन्हीं मेहमानों को बुलाना जो लिफाफे लेकर आए। लिफाफे के चक्कर में मत जाना मिस्टर। क्यों? मेरी सहेली की शादी में 20,000 लिफाफे आए थे, उसमें से 20 रुपए भी नहीं निकले। मैडम ये तोहफा आपके लिए। मेरे लिए? देखो तो कहीं ये भी तो खाली नहीं है। अरे वाह, ये तो हीरो का हार है। किसने दिया होगा ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम हमारे बीच एक ऐसा हसीन जोड़ा बैठा है जो मंगनी की रस्म को पार करके शादी के मंडप में कदम रखने वाला है। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी उन्हें इतनी दुआएं दें कि उनका दामन छोटा पड़ जाए। द कपल इज विजय एंड मधु। लेट्स ड्रिंक एंड डांस। पार्टी इज ऑन द हाउस। We'll be right back.
डुम्बा डुम्बा कड़कड़ डुम्बा 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 कड़कड़ डुम्बा कड़कड़ डुम्बा कड़कड़ डुम्बा कड़कड़ डुम्बा फिकर मत कर, तेरा बाप तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, तेरा मामा तो है, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा मामा, ये तस्वीरें नहीं देख रहे आप? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं भांजे। भांजे, दुनिया में सिर्फ तीन ही मामा खतरनाक साबित हुए हैं। एक कंस मामा, दूसरा शकुनी मामा और तीसरा ये जगत मामा। अब भांजे तू मामा की चाल देख कि कैसे ये तस्वीर के साथ साथ रिश्ते के भी टुकड़े होते हैं। जज साहब, आज तो आप कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। आज आपका हर स्ट्रोक ऐसा गजब का पड़ रहा है कि सारे बॉलों को उड़ाते फिर भी आपका बॉल सीधा पॉकेट में जा रहा है। अरे सक्सेना साहब, अमरनाथ जी सिर्फ खेल में ही नहीं, सोसाइटी में भी ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स लगाते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां इनके पॉकेट में रहने लगी है। अच्छा, ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है जरा हमें भी तो पता चले। मामा जी शायद ओबेरॉय साहब और अपने भांजे राजा की ओर इशारा कर रहे हैं, जिनके साथ जज साहब की बेटी का रिश्ता तय हुआ है। ओ कपूर, क्या तुम जज साहब को अपने स्टैंडर्ड का समझते हो? हैं? अरे भाई, इनका दिमाग हमारे दिमाग से 100 साल आगे है। इनकी बेटी की शादी मेरे भांजे राजा के साथ नहीं, विजय कुमार के साथ तय हुई है। विजय कुमार?
माना विजय कुमार शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, पर कोई इज्जतदार आदमी विजय कुमार को अपना दामाद कैसे कबूल कर सकता है? अरे इबादत मियां, अब काहे छिलके उतारने के फेर में हो? जानते नहीं पैसे में बड़ी ताकत होती है, वो बड़े से बड़ा दाग धो देती है। और फिर जज साहब ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। भाई मैं तो अपनी बेटी का हाथ किसी कंगाल के भी हाथ में देने को तैयार हो जाऊंगा, मगर किसी ऐसे हरामी के हाथ में नहीं जिसके नाम माँ बाप का पता हो न जात पात। घनश्याम दास जी, ये साड़ियां आप एक तरफ रख दीजिए। ठीक है सर। और नाना भाई जी, जी आप इन ज्वेलरीज का बिल ऑफिस भिजवा दीजिए। विजय दूध तो पी ले बेटा, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। रुको ना मौसी, खाने पीने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। ये हार हटा दीजिए, ये इतना भारी है कि मेरी मधु की गर्दन लचक जाएगी। बेटा पहले दूध तो हे भगवान, दूध गिर गया। तो क्या हुआ, आसमान थोड़ा ही टूट पड़ा है? ये अपशकुन है बेटा। अरे मौसी, 20वीं सदी में रहकर तुम 13वीं सदी की बात करती हो। नाना भाई जी, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। हेलो, मैं जज अमरनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए जज साहब, मैं विजय की मौसी बोल रही हूँ। शगुन का सामान तो वापस मिल गया होगा? वापस? मैं समझी नहीं। मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मैं मानता हूँ कि बेटी पराई अमानत होती है, लेकिन इतनी भी पराई नहीं कि उसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक नाजायज औलाद को जायज दामाद नहीं बनाना चाहता, जिसके न धर्म का पता है न जात का। उसे मैं अपनी बेटी का सुहाग नहीं बनाना चाहता। मौसी जी, ये साड़ियां कहाँ रख दूं? बाहर कचरे के डिब्बे में। जी तुमने सुना नहीं, ये सब उठा के ले जाओ यहाँ से, फेंक दो इन्हें घर से बाहर। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मुद्दतों के बाद तो खुशी की एक किरण घर में आई है, उसे भी बाहर फेंक देना चाहती हो तुम? क्यों मौसी, क्यों? काश मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया होता। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है तुमने। यशोदा देव की नहीं बन सकी कभी। कौन कहता है? ये दुनिया। मैं नहीं मानता ऐसी दुनिया को। इसी दुनिया में अमरनाथ भी रहते हैं। जज साहब, क्या कहा उन्होंने? तेरी शादी मधु से नहीं हो सकती। क्यों, क्या कमी है मुझ में? तेरे पास तेरे बाप का सर्टिफिकेट नहीं कि तू उसका बेटा है। तू जायज नहीं, नाजायज है। तू हरामी है। साहब, ये सामान जज साहब ने वापस भेजा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं इस दूध की तरह मेरी मां की छाती से दूध का एक कतरा जमीन पे ना गिरकर मेरे मुंह में गिर गया होता तो आज मुझे कोई हरामी ना कहता, नाजायज ना कहता। वह
आखिरी दूध का गिरना अपशकुन होता है, बहुत बड़ा अपशकुन। बहन जी, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर करके मेरी इज्जत रख ली, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नमस्ते। चल चुप हो जा, तेरे पापा को फोन करती हूँ। I love you। चल, लो ये आ गए। मैं आप ही को फोन करने जा रही थी। क्यों? कोई खुशखबरी है क्या? सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। अरे वाह, तो लो हम पहले से ही नाच लेते हैं। सुनो ना, जज साहब आए थे, अपनी बेटी का रिश्ता हमारे राजा के साथ तय कर गए। क्यों आई है यहाँ? आपसे भीख मांगने। भीख में इंसान दो पैसे या दो रोटी देता है, अपने जिगर के टुकड़े या अपने खानदान की इज्जत नहीं देता। जज साहब, मैंने विजय को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी छाती से लगाकर उसे पाला जरूर है। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके दिल की धड़कनों को मीलों दूर बैठकर मैं सुन सकती हूँ। अगर उसे मधु का प्यार नहीं मिला तो वो खुद को मिटा देगा। जैसा वो खुद को मिटा देगा। जो इंसान पाप के बीच से पैदा हुआ हो उसका मर जाना ही बेहतर है। डैडी, विजय की जिंदगी कोई आपकी अदालत का मुकदमा नहीं है। जिसका फैसला जब चाहा आपने सुना दिया, वो मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है। आपको कोई हक नहीं है कि मेरे माथे से विजय के नाम का सिंदूर मिटा दे। मधु, चिल्लाकर आप हमारे प्यार की आवाज को दबा नहीं सकते। हमने मोहब्बत की है और इस आग को जो भी बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद जलकर राख हो जाएगा। मारिए और मारिए, आप आपका हक वसूल कीजिए और मैं महबूबा का फर्ज अदा करूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक क्यों गए जज साहब? चलाइए गोली। मेरी जिंदगी तो मेरे बेटे के काम नहीं आई, शायद मेरी मौत ही उसके लिए वरदान बन जाए। Get out from here। जा रही हूँ जज साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, इन मोटी मोटी किताबों से आदमी इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनने के लिए उसे दुनिया की भट्टी में तपना पड़ता है। आप तो इंसान भी नहीं बन पाए, फिर आपको जज किसने बना दिया? क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं, घर ले चल मुझे। मौसी! मौसी तो घर में नहीं है, वो तो जज साहब के यहाँ गई है। जज साहब के यहाँ? जी हाँ। साहब 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 साहब, मौसी। क्या हुआ मौसी को? मौसी बाहर गाड़ी में साहब। बाहर गाड़ी में? जी। आखिर भाई किया ना तुमने जो मैं नहीं चाहता था। टेक दिया ना उस मगरूर जज के कदमों में अपना माथा, जिसने हमारी पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बस एक तुम ही थी इस दुनिया में जिसने मुझे अपनाया, छाती से लगाकर पाला, सर उठाकर जीना सिखाया। और आज तुम भी इस बेरहम दुनिया की तरह मुझे एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं एक गटर का कीड़ा हूं, मेरा कोई वजूद नहीं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी मत हो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बोझ बन चुकी है, तुम मेरे प्यार को भी बोझ बना देना चाहती हो? क्या समझती हो कि मैं मधु के बगैर जी नहीं सकता? अरे जब मैं उस मां के बगैर जी सकता हूं जिसने मुझे अपने पेट से निकालकर कटर में फेंक दिया, तो मधु क्या चीज है? जवाब दो मौसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो मौसी, मौसी, मौसी। देख और रो मेरे मुकद्दर पर, मेरी किस्मत लिखते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे। सब कुछ तो छीन लिया था तूने मेरा, इस आखिरी सहारे को भी छीन लिया। तू भगवान नहीं, एक मामूली इंसान बनकर रह गया है, मामूली इंसान।
ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए साहब, जो तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों मिटा देना चाहते हैं? जी ये तो किसके लिए? जिस मां ने जन्म दिया वही छोड़कर चली गई, एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया, तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया, कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों मधु जी आपसे प्यार नहीं करते? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा, लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड हो गया। जिस तरह हम भूल गए आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके, फांसी का फंदा तो डाल दो ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। पीछे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारे गम मांगने आई हूं, मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। पीछे मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ पीछे तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? क्या हुआ राजा बाबू को? यह होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। राजा, मेरा बेटा राजा, राजा क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राजा होश में आओ, राजा डॉक्टर को बुलाओ। राजा बोल बेटा बोल। देखिए विजय कुमार की हिम्मत, अब तो आपके खून से भी होली खेलने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जरूर राजा की कोई गलती होगी। विजय कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी।
मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है, मगर मां नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। अंधेरे में बैठकर अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आकर इस मां से मुकाबला कर जिसका खून तूने पानी की तरह बहाया है। जा कहां रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है? इसीलिए ना उसने कहा था तू इस दुनिया में जरूर आया है मगर बगैर किसी की मर्जी के। अरे तुझे तो तेरी मां भी पैदा करके खुश नहीं हुई। कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करती। तू उसके लिए बोझ था, इस धरती के लिए बोझ है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा या तो अपने हाथों से अपना गला घोट ले, क्योंकि तू हरामी है। हरामी है, हरामी, हरामी है, हरामी। देखो देव, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम बाइक आस्ते चलाओगे, तो पता मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, बैठ जाओ। देव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव प्लीज आस्ते चलाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बात कभी नहीं सुनते। ओहो तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते हो। देखो सामने रोको, संभाल के चला। रुक क्यों गई? आगे बढ़िए और घोट दीजिए मेरा गला। सच कहती हैं आप, बिना पाप के नाम के जिंदगी बोझ बन गई है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया उसने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आप ही थोड़ी देर के लिए मेरी मां बन जाइए और मुझे अपनी नाजायज औलाद समझकर मेरा गला घोट दीजिए। घोट दीजिए मेरा गला। मेरी मौत आपकी जिंदगी को खूब दुआएं देगी। घोट दीजिए मेरा गला। घोट दीजिए, घोट दीजिए मेरा गला। क्या बात है बहना, खाली हाथ वापस आ गई? मैंने तो सोचा था कि तुम अपने हाथों में उसके खून को मेहंदी की तरह लगाकर लौटोगी, उसकी जान ले लोगी तुम। बीस साल से वो मरा हुआ ही था मेरे लिए। क्यों कहा था मुझसे कि मेरा बेटा मर गया? ये तुम क्या बक रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। उस दिन भी तुमने झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। बहन मैं तुम्हारी सौगंध खाकर। तुम जैसे भाई में और एक कसाई में कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने विजय की बाप की शक्ल देखी होती तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाते। ये देखो, विजय कोई और नहीं, मेरा अपना खून है।
मेरा अपना बेटा है। क्यों कहा मुझसे कि मेरा बेटा मर गया है? क्यों एक माँ की छाती से उसकी औलाद को अलग किया? पाप तुमने किया, सजा मिली मुझे और मेरे बेटे को। 20 साल से वो अपनी माँ की गोद के लिए तरस रहा है, अपने बाप को अंधेरों में ढूंढ रहा है। तुझे, तुझे तो अपना भाई कहते भी शर्म से सर झुका जा रहा है। बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा है, लेकिन जिस दिन यह हकीकत तुम्हारे पति देव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन यह जमीन फट जाएगी और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। और बहना प्यारी, 20 साल पहले भी मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। अगर उस दिन मैंने तुमसे ये कहा ना होता तो ये दुनिया, ये समाज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी नाजायज औलाद को चीते जी मार देती। जिस तरह तुम्हारी नाजायज औलाद को तुम्हारे बगैर जीने की आदत पड़ गई है, उसी तरह बहना प्यारी तुम भी एक आदत डाल दो। इसलिए भूल जाओ कि देव नाम का कोई तुम्हारा प्रेमी था और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई तुम्हारा बेटा भी है। लाया ना मुझे इस दुनिया में, अच्छा किया, अच्छी है तेरी दुनिया, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सीखे ओबरॉय जैसे देवता भी है यहाँ पर, मधु जैसी खूबसूरत हमसफर भी है। माँ, माँ नहीं, माँ को, माँ को तो तूने मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया मुझसे मेरी माँ को? क्यों छीन लिया? कोई तुझसे तेरी माँ को छीन ले तो कैसा लगेगा तुझे? वो भी खून के आंसू रोता जिस तरह मैं रोया, रोता ना? अगर मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो मां की कोख के साथ साथ मां का प्यार भी देता। मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या?
हेलो भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। ये ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा, दो बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर डॉक्टर क्या बात है सिस्टर? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। ओह माय गॉड। बहना प्यारी, बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पति देव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, पता चल, उस दिन ये जमीन फट जाए, जमीन फट जाए, और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़े, आपको छुपाना पड़े। सिस्टर, डॉक्टर सक्सेना को इमीडिएटली फोन कर। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। टेलीफोन पे आपने कहा कि मिस्टर विजय को उसकी हालत बहुत खराब है, आप मेरा स्टेटमेंट लेकर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर ब्रॉय, स्टेटमेंट तो मुझे विजय की लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे लेंगे आप उसका स्टेटमेंट? वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब होश आएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप उसकी लाश का स्टेटमेंट देंगे? मैंने उन लोगों को देखा है। क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? मैं उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ। कौन है वो लोग? यूनियन लीडर संपत, मेरा साला जगत और राजा ओबेरॉय। राजा ओबेरॉय? वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है तो क्या उसे खून करने का लाइसेंस मिल गया है? किसी की भी जान ले सकता है। आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। डॉक्टर साहब, विजय कैसा है? बच तो जाएगा ना? कौन? विजय कैसा है? मैं पूछ रही, विजय कैसा है? आप जवाब क्यों नहीं देते? कैसा है विजय? मर गया विजय। नहीं, 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 क्या तो ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे। शारदा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। इस घर में जश्न बनाओ, घी के चराग जलाओ, गरीबों और यतीमों को भरपेट खाना खिलाओ, क्योंकि आज इस घर के, इस परिवार के दुश्मन की मौत जो हुई है। वो हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, हमारा सगा संबंधी होता तो हम उसके लिए आंसू बहाते, उसका मातम करते, लेकिन वो हमारा ही नहीं, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं था, ना किसी का दोस्त, ना किसी का भाई और ना ही किसी का बेटा। तो फिर ऐसे लावारिस के लिए आंसू क्यों बहाना? अरे उसके लिए तो उसकी मां ने आंसू नहीं बहाया होगा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं ही उसकी मां हूं। इस कोख से मैंने ही उसे जन्म दिया है। हाँ, मैंने। मुझे भी मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मुझे भी मार डालो, मुझे मार। मैंने तुम्हें ये थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने नाजायज औलाद को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए
कि उसे जन्म देने के बाद तुमने उसे मां का प्यार नहीं दिया, उसे मां की ममता नहीं दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था, कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला विजय मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। और जब पता चल ही गया था तो फिर तुमने उसे अपनाया क्यों नहीं? मैं डरती थी कहीं ये समाज आपकी इज्जत। समाज, इज्जत, इंसान की जान से बढ़कर है ये समाज और इज्जत? बाप के खून और मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या ये समाज और इज्जत? तुम्हें मुझसे आकर कहना चाहिए था कि विजय तुम्हारी नाजायज औलाद नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार की निशानी है। तो क्या आप मुझे माफ कर देते? क्या था, सीके उबेराय भी तुम्हारी तरह इंसान है, भगवान नहीं। अगर तुम गलती कर सकती हो तो मैं भी गलती कर सकता हूं। मैं विजय को सिर्फ अपनाता ही नहीं बल्कि उसे अपना नाम भी देता। मैं ही बदनसीब नहीं, मेरा विजय भी बदनसीब था। काश अगर वो आज जिंदा होता तो अपने साथ उसका भी सर अपने कदमों में डाल देती। तुम्हारा विजय जिंदा है शारदा। क्या? मेरा बेटा जिंदा है तो फिर आपने मुझसे झूठ? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी सोई हुई ममता को जगा सकूं। ये राज तो मैं शुरू से ही जानता था। शारदा, हॉस्पिटल में तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप इंसान नहीं देवता है। अगर मैं अपने बेटे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। आओ। यह है विजय का कमरा, जाओ। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे के साथ अकेले में मिलो। मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूं। तुझसे मिलने आई है वो अभागन मां जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था तू कि तू हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल, मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि मां तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। देखिए, सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, चलिए, इन्हें आराम की जरूरत है। आइए, खोल मेरे प्लीज। आगे विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझसे तो कहा गया था
उससे तो कहा गया था जी हाँ। वैसे एक बात है ओबेरॉय, तुम्हारे खून ने विजय को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कहाँ गई शारदा? सर आपका फोन। हेलो जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ, दीदी हमारे कब्जे में है। क्या जी? मंदिर के पीछे वाले खंडर में आ जाइए, दीदी आपको वहाँ हिफाजत से मिलेगी, देर मत करना वरना। हाँ एक बात का ख्याल रखना, पुलिस को खबर की तो दीदी की लाश को कौवे खाए। दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना, दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना, आया आया आ। चलो चलो साला पुकारे और जीजा चला आए, जेब में माल लेकर आए रे। जगत प्रणाम जीजा जी, प्रणाम। साले की इस नादानी को माफ कर दीजिए। अरे भैया देख क्या रहे हो, इनकी तलाशी लो, कहीं बॉडी पे बम बम बांध के तो नहीं है? क्यों देखो देखो देखो, कोट के अंदर क्या है, पैंट के नीचे क्या है, देख 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 देख, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आलू छिलने आए हो? हरामजादे मैं तेरी जान ले लूंगा। ओबेरॉय साहब, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि हमें आपकी प्यारी बीवी की जान लेनी पड़े। हाथ लगा के तो देख, जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी सीखे ओबेरॉय नहीं। हाथ लगाने की बात कौन कर रहा है ओबेरॉय साहब? हमारी कमजोरी औरत नहीं, हमारी कमजोरी तो पैसा है, पैसा। और ये पैसे के लिए हम अकेले नहीं आए हैं, भांजा भी लाए हैं, वो देखिए आप ही का खून। एट योर सर्विस मिस्टर सी के ओबेरॉय। राजा देखा शारदा, जिसे हमने मंदिरों की चौखटों पर माथा रगड़ रगड़ कर मांगा था वो बेटा कैसे निकला? बेटा? मैं आपका बेटा कहा हूं मिस्टर सी के ओबेरॉय? आपका बेटा तो वो है विजय, विजय जिसको मैंने अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अरे पागल, जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है वो तेरा अपना भाई है, मेरा पहला बेटा। हाँ अपने गंदे खून से मेरे खून को मत मिलाओ मिसेस सी के ओबेरॉय, वो हराम की औलाद है और हराम ही कहलाएगा। खबरदार, जो विजय के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। जीजा जी, भांजा मेरा अभी बच्चा है, इस खेल में थोड़ा कच्चा है, इसलिए ये बॉफर्स की गंडिल मैं करूंगा। बंदूक तो आप लाए नहीं होंगे लेकिन पेन तो लाए हैं ना, आपको इस कागज पे हस्ताक्षर करने हैं।
क्या लिखोगे इस कागज पर? इसमें हम लिखेंगे कि आप आपकी जिंदगी की पूरी कमाई राजा ओबेरॉय के नाम कर रहे हैं आपकी मर्जी से, और बाद में आप दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं हमारी मर्जी से। कीजिए। तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा पर पहले तुझे शमशान घाट पहुंचाकर। ओबेरॉय साइन कर दो या फिर इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। जल्दी करो मिस्टर सी के ओबेरॉय, कहीं ऐसा ना हो कि एक बेटे के हाथ अपने माँ बाप मर जाए। कीजिए। माँ बाप को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन तेरे जैसा कपूत पैदा हुआ था। ओ बहना देख, आ देख तेरा मियां बिगड़ा जाए, देख 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 ये क्या किया आपने, मेरे लिए अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटा दी। बुढ़ापे में आदमी दौलत पर नहीं औलाद पर भरोसा करता है, जब औलाद ही। अभी नहीं मिस्टर सी के ओबेरॉय, अभी तो आपको मेरी शादी में शामिल होना है, आशीर्वाद नहीं देंगे? शादी? जी हाँ मामा जी। भांजे जी, जरा मिसेस सी के ओबेरॉय की बहू को तो पेश किया जाए। रुक्मणी रुक्मणी शादी रुकी, जल्दी आ जा। मधु आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख तुझे दौलत चाहिए थी वो मैंने तुझे दे दी, मधु विजय की अमानत है इसे छोड़ दे। मैं नए जमाने का सैंपल हूं मिस्टर सी के ओबेरॉय, जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसे छीन लेता। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है सख्त सख्त, और मैं पुराने जमाने का सैंपल हूं, जबान के लिए सर कटा सकता हूं। ओबेरॉय साहब आगे आगे क्या होता है चुपचाप देखते रहिए। जिस मांग में तुम विजय के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, आज उसी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। तू लक्ष्मण है मेरे बेटे, अगर सीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। क्या मां? मां भले तू मेरी जान भी ले ले मगर मैं मधु की मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी। तू हट जा मां। नहीं हट जा। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे, तू या ये? नहीं, नहीं, राजा, नहीं। विजय हरामजादो देख क्या रहे हो, उड़ा दो उसे। पकड़ो साले को। विजय बेटे you
पैसों की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, ये ले पैसा। कौन? आप ही का। जैसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे। मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था। यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी, वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था। डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, विजय, बेशा, ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, विजय, सुना आपने, इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो, भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। भैया, I'm sorry dad। बेटे, चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया, ना सोचा ना समझा।